नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। दिल्ली में एमसीडी चुनाव करीब आते ही राजनीति अब तेज हो गई है। बीजेपी ने आज मनीष सिसोदिया के तस्वीर वाले पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। बीजेपी ने पोस्टर पर शराब घोटाले का जिक्र किया, महाठक सुकेश चंद्रशेखर का भी नाम लिखा है। साथ ही केजरीवाल को घोटाले की फिल्म का डायरेक्टर बताकर उन पर करारा वार किया। अपने अपने चुनावी वादों के बाद अब एमसीडी की सियासी लड़ाई बढ़ गई है। विकास वाली राजनीति के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों पर नई जंग छिड़ गई और इस जंग में बीजेपी ने आप पर करारा वार किया। लुटेरा वाले पोस्टर के जरिए दिल्ली सरकार पर प्रहार किया। इस सियासी पोस्टर के हर किरदार पर बीजेपी का आरोप है, घोटालों की झड़ी है, भ्रष्टाचार को लेकर वार है। लीडिंग रोल में हवाला घोटालेबाज के लुटेरा नंबर वन और सपोर्टिंग रोल में कैलाश गहलोत भी है। तिहार में जो घोटाला हुआ है, जो लुटेरे बन के ठगों को भी लूटने का काम किया है, उसमें सपोर्टिंग रोल कैलाश गहलोत का है और डायरेक्टर निर्देशक तो अरविंद केजरीवाल ही है, ये सामने निकल कर आ चुका। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बजते ही पोस्टर की छपाई शुरू हो गई। बीजेपी ने उन्हीं किरदारों को चुना है जिनको लेकर वो पिछले कई दिनों से आक्रामक थी, भ्रष्टाचार और शिष्टाचार के तराजू पर तोल रही थी, आरोपों का अंबार लगाए बैठी थी। यही वजह है कि बीजेपी खुद ही सभी किरदारों का तारुफ अपने अंदाज में एक एक करके करा रही है। केजरीवाल और उनके करीबियों पर घोटालों का आरोप लगा रही है। ये दिल्ली सरकार के लुटेरे ये रिवर्स रॉबिनहुड थे। रिवर्स रॉबिन मतलब कि सरकारी खजाने का पैसा जो गरीबों के लिए था, जो शिक्षा के लिए लगना चाहिए था, जो घर घर साफ पानी पहुंचाने के लिए लगना चाहिए था, उसको लूटा और शराब माफियाओं की जेबें भर दी। बीजेपी घोटाले गिनाकर आम आदमी पार्टी पर वार कर रही है तो आप एमसीडी में 15 साल के काम का हिस्सा मांग रही है। फिर आप चाहते हो कि लोग आपको वोट दें? कैसे वोट देंगे लोग? आपने काम क्या किया है? खुद भी काम नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करने देते, केवल गालियां देते हो, गालियां देते हो। लोग नेगेटिव राजनीति पसंद नहीं करते। आप ये बताओ, आपने 15 साल में क्या काम किए, 5 साल में क्या करोगे? हम बता रहे हैं, हमने 7 साल में स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, बिजली के बिल जीरो कर दिए, बिजली 24 घंटे कर दिए, हमने सड़कें बना दी। हम अपने काम गिना रहे हैं, इनके पास एक काम नहीं है गिनाने को। इस वार पलटवार के बीच दिल्ली एमसीडी चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन गया। केजरीवाल इन आरोपों को गलत बता रहे हैं, बीजेपी पर गाली पॉलिटिक्स करने का आरोप मढ़ रहे हैं। डी ढोंगी ढोंगी अरविंद केजरीवाल, एन से निकम्मा अरविंद केजरीवाल और दूसरे डी से डरपोक अरविंद केजरीवाल। बीजेपी कहती रही, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, कोई 5 काम बता दो जो आपने 15 साल में किया हो। कोई 5 काम बता दो जो 15 साल में एमसीडी, चलो 5 मत बताओ, 2 ही काम बता दो जो तुमने 15 साल किया। मतलब 24 घंटे बैठ के मेरे को गाली देते हैं, ढोंगी है, राक्षस है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, ये क्या राजनीति है? दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। 250 सीटों पर कब्जे की लड़ाई के लिए हर पार्टी अपना जोर लगा रही है। इस बीच एक दूसरे के दावों पर सवाल हो रहा है, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दोनों ओर से तीखा प्रहार हो रहा है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। एमसीडी चुनाव में सियासी तनातनी के बीच टिकट को लेकर भी जंग शुरू हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एक पूर्व पार्षद हाई टेंशन तार के टावर पर चढ़ गया। हसीब उल हसन नाम का ये नेता पार्टी से काफी नाराज है। हसीब उल हसन का आरोप है कि पार्टी ने उनके पेपर रखवा लिए लेकिन टिकट नहीं दिया। पूर्व पार्षद ने पेपर वापस न मिलने पर आत्महत्या की धमकी दी है। हालांकि बाद में हसीब उल हसन को पेपर लौटाने के बाद उन्हें टावर से उतारा गया। उनको वापस किया जाए, पुलिस के आला अधिकारियों के हाथ में अब ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप देखेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन उनको दिए जाएंगे
ताकि उनको नीचे जो है उतारा जा सके। उधर आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज थे संजीत आचार्य, वो यहाँ से फिलहाल जब जो है जा चुके हैं, मुंह पर काली जो है वो पोती गई। अब पुलिस कोशिश ये करेगी इनके तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इनको दिए जाएं हसीबुल हसन को, ताकि वो नीचे जो है उतर जाएं। लगातार पुलिस की तरफ से कोशिश, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के वर्कर यहाँ पर मौजूद हैं। अब उनको डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर दिए जाएंगे ताकि जो वो नीचे उतर सके। अभी आप देखिए ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन आज तक पर एक्सक्लूसिव देखिए, दिल्ली पुलिस की जो आला अधिकारी है उनके हाथ में डॉक्यूमेंट। रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट तुम बताओ, पहले कागज चेक कर लेना। हाँ पहले कागज चेक कर ले। डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए सर? कौन साहब जाएंगे ना? नहीं नहीं यार मेरे, मैं पहचानता नहीं ना जिसने दिया उसको। हाँ बिल्कुल मिल गया, मिल गया। हसीब है वो लगातार मना कर रहे हैं कि वो नीचे नहीं उतरेंगे, लेकिन अब पुलिस के जो अधिकारी है वो कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के ऊपर जाए ताकि जो है उनसे बात कर सके, लेकिन वो मना कर रहे हैं कि ऊपर कोई नहीं आएगा। लेकिन पुलिस चाहती है कि किसी तरीके से उनको नीचे जो है वो उतारा जाए। अब जैसे ही अगर आप देखेंगे कि वो डॉक्यूमेंटेशन पुलिस के जो अधिकारी हैं वो ऊपर अब चढ़ चुके हैं। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी ऊपर चढ़े हैं डॉक्यूमेंटेशन को दिखाने के लिए कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उनके पास आए हैं। अब वो डॉक्यूमेंटेशन हसीबुल हक को जो है वो देंगे ताकि अगर वो डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करते हैं तो फिर उनको नीचे उतारा जा सके। लेकिन इस पूरे संग्राम के बीच में जिस तरीके से फजीयत जो है वो देखने को मिली है, लगातार इस तरीके का विरोध का सामना यहाँ पर करने को देखने को मिल रहा है। अब एक और शख्स देखिए अगर यहाँ पर चढ़ने की कोशिश जो है वो कर रहा है, यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर बात कर रहे हैं उनसे। ये देखिए एक और शख्स जो है वो ऊपर चढ़ा है, पुलिस उनको कह रही है कि नीचे जो है उनको उतारा जाए। अब हसीबुल हक जो है वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कर रहे हैं। इनका आरोप था कि दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, आतिशी इन सब की मिली भगत से इनका टिकट जो है वो काटा गया।